हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। आज फिर एक बार हम सीएलसी के यूनिक गुरुनीति प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। आज केमिस्ट्री की 13th गुरुनीति हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री सेकंड के कुछ क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ हैं ओपी सर। सो करें सर, ओपी सर स्टार्ट इसको। जी सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। For gaseous reaction, the rate is often expressed in terms of dP upon dt instead of dC upon dt or dN upon dt, where C is the concentration and N is the number of mole. What is the relation among these three expression? तो अभी सर अपन यदि यहाँ पे बात करें, टोटल मिला के यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जिसे अपन dx upon dt से बोलते हैं, अभिक्रिया की दर जो है उसकी बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है उसको सांद्रता, उसको मोल और उसको दाब के रूप में कैसे व्यक्त कर रहे हैं उसके लिए बात कर रहा है। तो सर ये dP upon dt और gaseous reaction के लिए एप्लीकेबल। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर यहाँ पे अपन यदि बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको PV is equal to nRT की बात कर लूँ। ये अपने पास में आइडियल गैस इक्वेशन होती है सर। जी सर। यहाँ से सर अपन को यदि V को इसके डिनोमिनेटर में ले जाए तो P is equal to n upon V RT आएगा सर। जी सर। सर यहाँ से ये P is equal to CRT परिवर्तन समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उसकी चेक कर रहे हैं। तो ये डीसी अपॉन डी टी हो सकता है, करेक्ट है। जी सर। मोल के रिस्पेक्ट में बात करें तो एन अपॉन वी होगा, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होगा, मोल्स में चेंज होगा। हाँ, तो ये भी करेक्ट है सर अपना। जी सर। और प्रेशर के लिए अपन ने प्रेशर के टर्म्स में बात की तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? पी अपॉन आर टी। जी सर। तो सर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन की जगह आ जाएगा पी अपॉन आर टी, और टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल टी टेम्परेचर को बता रहा है, स्मॉल टी चेंज इन टाइम को बता रहा है। जी सर। इसका मतलब सर इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन ही सही लग रहा है। बिल्कुल, फर्स्ट एक्सप्रेशन सही। तो सर इसका मतलब अपन ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में और मोल्स की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इसकी बात कर। जी सर। चले सर आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है The reaction A, gase plus 2B gase, C plus D gase से ही को chemical reaction, elementary process यानी ऐसी reaction जो एक step में complete होती है, उन्हें आप क्या कहोगे? मतलब सर अपन यदि बोलेंगे reaction single step में हो रही है तो elementary, और more than one step में हो रही है complex reaction कहलाती है। Okay. In an experiment involving this reaction, the initial pressure of A and B, A और B का initial pressure आपको given 0.6 atm and 0.8 atm respectively. When pH is equal to 0.2 atm, the rate of reaction relatively to the initial rate. यानी pressure की term में अपने को rate निकालनी। तो सर मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि because अपन को पता है PV is equal to nRT होता है ideal gas equation से, तो pressure mole के proportional चलते हैं। जी सर। तो जो मैं मोल की बात करना चाह रहा हूँ वही प्रेशर की होगी, तो मोल के टर्म्स में भी मैं देख सकता हूँ। मोल के जैसा अपन को अभी ओपी सर ने बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सरल अभिक्रिया है, एक पद में हो रही है, वन स्टेप में, तो उसके लिए मैं जब तक अपन को रेट एक्सप्रेशन नहीं दिया है तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी मैं रेट लिख सकता हूँ। बिल्कुल, वैसे रेट ऑफ रेट लो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रेट लो अपने को क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो जो गिवन रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपन रेट लो लिखते हैं। एलिमेंट्री में अपन डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो सर यहाँ से मैं डायरेक्टली जो बात कर रहा हूँ, जो आपकी रेट आएगी वो अपन क्या बोलेंगे, पीए का प्रेशर होगा और पीबी का प्रेशर का स्क्वायर होगा। जी सर। ऐसा ही होगा सर। जी सर। अब मैं प्रेशर की टर्म्स में बात करूं या मोल की टर्म में बात करूं, एक बात होगी सर। जी सर। तो यदि मैं एक बार इस रिएक्शन को सर चेक कर लूं, अपन को दिया है A plus 2B change into C plus B। जी सर। इनिशियली T is equal to 0 टाइम पर मैं मोल्स की बात करना चाहूं, मोल बोलूं या प्रेशर बोलूं सेम बात होगी। सेम बात है। तो PA दिया है अपन को 0.6 और PB दिया है अपन को 0.8, उस टाइम ये सर 0-0 होंगे। जी सर। अब मैं ये बोलूं कि जो C बन रहा है P टाइम पर वो कितना बताया है सर अपन को, 0.2 atm। तो यहाँ से 0.6 माइनस में x atm डिसोसिएट मान लेता हूँ। हाँ सर, ये A के लिए डिसोसिएशन हो जाएगा और B के लिए क्या होगा, 0.8 माइनस का 2x। ये इंपॉर्टेंट चीज सर आपने बताई कि जो इसका कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंगली डिसोसिएशन बात कर रहे हैं, और उनका कोफिशिएंट C और D का क्या है,
वन और वन है तो इसका एक्स एटीएम फॉर्म होगा और इसका एक्स एटीएम फॉर्म होगा। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो सी का प्रेशर है वो क्या है 0.28 या 0.2 मोल है। ठीक है सर, इसका मतलब अपन बोलते हैं यदि ये 0.2 है, जी सर, ये 0.2 है तो 2 into 0.2 0.4 तो यहां से ये अपन को 0.4 मिल जाएगा। जी सर, और ये भी 0.4 है। अब अपना काम आसान हो गया क्योंकि इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट, मतलब जो बाद में रेट है और पहली रेट है उसके लिए सर ये बात कर रहा है। जी सर, ये जरूर ध्यान रखें, पूछ क्या रहा है, बाद वाला पूछ रहा है पहले वाला, तो हमको पूछ रहा है r फाइनल अपॉन r इनिशियल, ऐसा ही बात हो रही है सर। जी सर, कांस्टेंट जो आएगा वो दोनों के लिए कैंसिल आउट होगा। जी सर, तो फाइनल के लिए क्या आ रहा है सर, 0.4 और 0.4, ये तो 0.4 है बट ये 0.4 का स्क्वायर आएगा, तो cb का स्क्वायर, और इनिशियली क्या था 0.6 और 0.8 का स्क्वायर। जी सर, इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको एक बार अपन देखें तो rf अपॉन ri जो आएगा ये आएगा 0.4 * 0.4 * 0.4 और नीचे अपन बात करें तो 0.6 * 0.8 * 0.8 सही बात है सर। बिल्कुल सर, ये पॉइंट 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 से पॉइंट कैंसिल आउट होंगे, इससे 2 टाइम्स, इससे 2 टाइम्स और इससे 4 जाएगा, तो सर टोटल मिलाकर ये 1/6 आ रहा है मेरे पास। जी सर, तो सर इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए सर। चलें सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर जीरो रिएक्शन, जीरो रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, और साथ में सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट, जैसे ही अपन यहां पे पहुंचे हैं एक चीज बता दें बच्चों को कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही ऐसी होती है जो कंप्लीट होती है, जिसके लिए अपन टी 100% लिख सकते हैं, बाकी कोई भी रिएक्शन के लिए आप कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अपन जब बाकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो वहां पे अपन टी 100 इनफाइनाइट टाइम मान के चलते हैं, जबकि ये फाइनाइट टाइम को बताता है। तो देखो पहला ग्राफ बच्चों, देखो आप देख पा रहे हो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, तो आपको इंफॉर्मेशन पता होगी कि जो टी हाफ होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो क्या होता है, a upon 2 की ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो बोल सकता हूं कि tr for zero reaction प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पे जो सर ने बताया इसका एक अपन जनरलाइज फार्मूला डिराइव कर लें किसी भी ऑर्डर के लिए, tr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n माइनस 1 व्हेन n शोस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जी सर, तो जैसे ही जीरो ऑर्डर पुट करेंगे तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा, और यदि अपन जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन देखें तो अपन ये बोल देते हैं x is equal to kt, ये इसका दर नियतांक हो जाता है कि जो है जीरो ऑर्डर के लिए बात करें कि जीरो बता देते हैं। यदि टी हाफ बात करें, टी हाफ मतलब जब आधा मॉलिक्यूल डीकंपोज हो गया या आधा रिमेनिंग है, जी सर, तो उस टाइम एक्स अपना ए बाई टू आ जाएगा, तो अपन इसको इस तरीके से शो करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को बतानी पड़ेगी कि ये 2k जो आया है ये तब आया है जब रिएक्शन में रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 है। जी सर, यदि जो अपने आगे क्वेश्चन है, हां जो अभी आ गया अपन उसको रखा दिया, अच्छा क्वेश्चन है, तो y एक्सिस पे आपने t आप लिया और x एक्सिस पे आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया, तो y बराबर किसका ग्राफ बनेगा, mx का, जिसमें स्लोप कितना हो जाएगा 1/2। बिल्कुल सर, तो ये ओरिजिन से पास होगा, यानी ये जो फर्स्ट ग्राफ है बिल्कुल सही करेक्टेड, t आप a के प्रोपोर्शनल है, एक रिलेशन सर आपने बताया x इक्वल टू kt, तो x प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो सेकंड भी अपना सही है। और जो थर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो ये रेड दे रखी है और ये आपने t टाइम बाद में कंसंट्रेशन दे रखी है, लेकिन जीरो रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड है नहीं करती, ये यदि अपन थोड़ा सा बच्चों को बता दें, जैसे मान लीजिए a चेंज इनटू प्रोडक्ट है, t is equal to 0 टाइम पर ये a है उस टाइम 0, t टाइम पर मैं बात करना चाहूं ये a minus x है ये x, तो इसके लिए रेट लॉ जो होगा dx upon dt जो आएगा वो अपन क्या बोल रहे हैं directly proportional to a minus x to the power 0, और किसी की भी power 0 तो 1, मतलब zero order reaction does not depend on the concentration of reactant at t times, तो सर इसका मतलब बिल्कुल सही है, constant को बता रहा है। जी सर, और लास्ट वाला जो ग्राफ है वो तो सही होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि y एक्सिस पे log ले रखा है और x एक्सिस पे सिर्फ t ले रखा है, तो सर यहाँ पे अपन लॉग लेके इसको करेंगे भी तो भी ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि a माइनस x और टाइम में अभी अपन ने बात की है कि वो उस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो सर इसका d लॉन्ग हो गया है, तो अपने पास इसमें करेक्ट ऑप्शन अपन को देखना है a b और c, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तो सर इसके माध्यम से अपन ने इसका मतलब पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को चेक कर लिया। जी सर, चलें सर आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दोबारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a इज 0.1 है, मेन इनिशियल कंसंट्रेशन है a की वो कितनी है 0.1, ठीक है,
if A 0.0 at M after 10 minutes, यानी कि ये A से B zero reaction है, जब T बराबर 0 minute था, तब इसकी initial concentration क्या है 0.1 M, और इसने कहा कि after 10 minutes, आप 10 minutes इसकी concentration कितनी हो जाती है 0.08 हो जाती है, यहाँ पे 0 तो कितना volt यहाँ पे dissociate हुआ होगा, तो सर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं point a minus x करेंगे, a minus x अपना ये आ रहा है, इसका मतलब 0.02 मोल की बात की जा रही है, जो प्रोडक्ट के मोल है, प्रोडक्ट b के मोल है, या जो कंसंट्रेशन वो क्या आएगी 0.02 है, तो आपको क्या पता सर इसमें हाफ लाइफ रेट तथा रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो जीरो रिएक्शन के लिए अभी सर ने हाफ लाइफ रेट बताया कितना होगा a अपॉन 2k, और इसका जो t कंप्लीट है, क्योंकि जीरो रिएक्शन हमेशा 100% कंप्लीट होती है, वो क्या हो जाएगा a अपॉन k, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे जो इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालो, तो हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m अपॉन 2k, k आपको यहां से निकालना है, लो जीरो रिएक्शन के लिए k आप कैसे निकालोगे, x इक्वल टू kt, सर x इक्वल टू kt, या अपन जीरो ऑर्डर में बच्चों को एक चीज और बता सकते हैं, जी सर क्या, एक बार सर इसको पेज खाली कीजिए, अपन इस पे बात कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए बेटा अपन जब बात कर रहे हैं, जैसा सर ने आपको बताया है, हम ये रूल भी काम में लेते हैं, at is equal to a zero minus kt, सही बात है सर, जी सर, यहाँ से अपन को after 10 minutes, 10 minutes की बात की है, concentration रह जाती है 0.08, initially concentration सर कितनी दे रखी थी अपन को, 0.1 दे रखी थी, k अपन को यहाँ से निकालना है, जैसा सर अपन बता रहे थे सर को, 10 minutes, तो यहाँ से अपन बात करें, तो 10k is equal to 0.02, जैसा सर ने आपको बताया, k आ जाएगा 0.02 upon 10, ये अपने पास में सर rate constant आएगा, जी सर, सर क्वेश्चन में पूछा है अभी की क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, जी सर, पूर्ण होने में लगा समय, इसका मतलब मैं ये बात करूं t finite, और केवल जीरो ऑर्डर के लिए t finite की बात की जाती है, जी सर, तो सर अपने पास में होता है x is equal to kt, जी सर, यदि मैं t 100% की बात करूं, इसका मतलब x complete a हो चुका है, जी सर, तो सर यहां से मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं a is equal to kt, जी सर, सही बात है सर, तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा आपके पास में a upon k आ जाएगा, a कितना है अपने पास में सर 0.1 है, और k अपन को पता लग रहा है 0.02 डिनोमिनेटर ऊपर 10, यहां से ये गया 10, यहां से ये गया 100, यहां से अपन ने सर इसको चेक किया, तो ये आया अपने पास में 15 मिनट्स, यानी कि t 100% जब रिएक्शन कब हो रही है, 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं, तो बताओ इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो सर इसका सिंपल सी बात है 25 मिनट, और ये वैसे याद रखिएगा बच्चों जीरो ऑर्डर में अपन क्या बोलते हैं वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो जितना परसेंटेज डीकंपोज हो रहा है वो सेम टाइम इंटरवल के लिए होता है, तो यहां से सर 25 मिनट्स को हाफ लाइफ आ जाएगी और टी 100% 50 मिनट आएगा। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ प्लॉट ऑफ लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज tan थीटा वेयर थीटा इज, तो सर इधर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों को थोड़ा सा बता दूं, अपन बोले a चेंज इनटू प्रोडक्ट, जी सर, जीरो टाइम पर ये a है ये जीरो, t टाइम पर ये a माइनस x होगा ये x होगा, जी सर, और इसका मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं, अब अपन पूरा डिराइव नहीं करेंगे, बच्चों को पता है किस तरीके से अपन डिराइव करते हैं, तो सर अपन इसमें क्या बोल सकते हैं kt इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस x, ये बोलते हैं सर अपन, जी सर, इसको यदि मैं थोड़ा सा डिसोसिएट कर लूं और इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊं, लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो मैंने बोला kt इसको अपॉन में लिया 2.303 लॉग a माइनस लॉग a माइनस x, जी सर, अब मेरे को ये चाहिए लॉग रेट, रेट के प्रोपोर्शनल अपन को ग्राफ की बात कर रहा है, तो सर मैं यहां से एक चीज बात कर लेता हूं, देखो सर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है फोर फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे अपन को a मानने से क्या है a माइनस x और a में कंफ्यूजन नहीं होगा, जी सर, अब अपन को यहाँ पे क्या रखना है log रेट वर्सेस log कंसंट्रेशन, तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं log रेट, तो ये तो अपन y मान लो एक बार, जी सर,
और log concentration इसे a, तो ये हो जाएगा अपना c plus m x. यहाँ पे स्लोप कोफिशिएंट 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो स्लोप आया है अपना वो 1 है. तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा. इसका मतलब है थीटा कितना रहा होगा? 45 डिग्री. और इससे अपन करते तो a minus x और उसमें डायग्राम बनाते, वहां से भी अपन को ग्राफ पता लग जाता. जी सर. तो यहाँ से सर अपन बात करें, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. जी सर. चले सर आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 16 मिनट. यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.693 अपॉन k. जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. ये हाफ लाइफ पीरियड आपको 16 मिनट दे रखा है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्शन? जब 90% रिएक्शन कंज्यूम हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? सर इसको अपन शॉर्ट तरीके से ऐसे करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, मेरे को इसका एक्सप्रेशन पता है, t is equal to 2.303 upon k log a upon a minus x. ये सर इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है. जी सर बिल्कुल. जब दो चीजों की बात कर रहा है तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो t है वो अपना डिपेंड कर रहा है log a upon a minus x. सही बात है सर? जी सर. मैं दोनों केसेस में बात कर लूँ, एक बार मैंने बात कर ली t 90%, एक बार मैंने बात कर ली t 50%. जी सर. इसको सॉल्व करें अपन, प्रोपोर्शनलिटी से कांस्टेंट कैंसिल आउट होगा. यहां पे आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन 100, तो 90% चला गया तो 10 रह गया. यहां पे अपन ने बात की इनिशियली 100, 50% चला गया तो ये आ गया. बेटा यहां पे ये गलती नहीं करते कि लॉग से लॉग उड़ा लो, ये गलती नहीं करनी है. यहां पे वैल्यू अलग आ रही है ना, वैल्यू अलग आ रही है. तो यहां पे सर 10 से ये देखेंगे तो लॉग 10 आएगा और लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी. और log 50 अपॉन ये करेंगे log 2 आएगा, ये अपना आएगा 0.3010 सर, क्योंकि अपन बेस 10 पे बात कर रहे हैं. अब अपन को बोला है अर्धा इक्वल 60 मिनट, ये दिया है अपन को 60, तो t 90% अपना आएगा 60 अपॉन 0.3010. यहां से सर अपन इसको ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास में 6000 आएगा, जो अराउंड 200 मिनट्स आना चाहिए. ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये डायरेक्ट अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं. चलिए सर आगे. क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है? जी सर, जैसा कि आपने अभी बताया गया बताया था कि जो t half है वो कितना होगा 0.693 upon k upon k, और इसका जो t 75% होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो क्या होगा 2.303 upon k log 10 base. ऊपर 100 लेंगे और यहाँ नीचे क्या लेंगे, जो रिमेनिंग है 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बची कितनी 25%, तो 25 upon 100. ठीक है, तो ये कितना होगा सर? इसको अपन इसकी बजाय ये 100 नहीं आना चाहिए, माइनस पे आ गया है, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सर अपन इसको एक तरीके से, मैं बच्चों को एक डायरेक्ट इसमें शॉर्ट ट्रिक बता दूं, क्योंकि ये p 50% और 75% की जनरली बात करता है. जी सर. तो सर अपन इसमें ये बोल दें कि p 50 अपॉन t 75% की जब बात की जाती है ना, तो यहां पे अपन जनरली हमारे कोर्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की बात करता है. जी सर. तो अपन को ये ध्यान रखना है कि यदि अपन को जीरो ऑर्डर की बात की है, फर्स्ट ऑर्डर की बात की है और सेकंड ऑर्डर की बात की है, क्या क्या रिलेशन आता है इनके, अपन जब इनमें डिवाइड करते हैं, ये आता है 2/3, ये आता है आपका 1/2 और ये आता है आपका 1/3. सर अपन पास डायरेक्ट आ गया. जी सर. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि t 75% फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूँ तो वो आएगा 2t हाफ. डायरेक्ट बोल सकता हूँ इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए t 75% आता है अपना 2t हाफ. इसको अपन पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं. फर्स्ट एक है गलत, रॉन्ग है सर. जी सर. ऐसे ही सर अपन b और c, जैसा मैंने अभी ऑप्शन बताया वो चेक करेंगे. जी सर. तो सर ये b और c तो करेक्ट आएगा. यहां पे मैं ये एवरेज के लिए बच्चों को जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. t एवरेज सर वही होती है जो रिएक्शन 63% कंप्लीट हो चुकी है. या अपन ये बोल सकते हैं सर कि t एवरेज का मतलब अपन बोल रहे हैं 1/k, और जब भी t हाफ का मतलब अपन बोल रहे हैं 50% का 0.693 अपॉन k. यहां से सर जब अपन को t एवरेज देखना है दैट इज k से k जाएगा, डिवाइड कर दो तो t एवरेज इज इक्वल टू t हाफ अपॉन 0.693 आएगा. हमें क्या बोला, t एवरेज इज इक्वल टू t हाफ अपॉन 0.693 आएगा और उसमें अपन को रिवर्स दिया है. तो सर इसका मतलब ये भी नॉट. जी सर. इसकी जब वैल्यू अपन फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 1.414 तो टोटल मिला के इसको रिवर्स कर दिया था इसने, और इसमें अपन बच्चे धोखा खा जाते हैं. तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट और ए और डी तो रॉन्ग है, बी और सी करेक्ट है. इसका मतलब इसका सर सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा. चलिए सर आगे. अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं.
Question number eight, the conversion of vinyl alloy ether to paint for in or follow first order characteristics. यानी first order characteristics को ये follow करती है. The following float is obtained for such a reaction. जैसे कि सर आपने भी किया था, इसका slope निकालना थी. ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता था red constant होता है reaction, तो इसका red constant आपको निकालना है. तो KT is equal to, मैं सीधा लिख देता हूँ, log 10 base a naught upon a naught minus x. 13.303 भी डिवाइड कर दीजिए सर, लॉग 210 बेस से लिया है तो इसको इधर ये कर देते हैं 2.303, तो KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस का x. सर यहां से लॉग m अपॉन n की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और इसको बाइफर्केट कर दें जी सर, तो अपने पास आएगा सर KT अपॉन 2.303 is equal to log m upon n जो होता है log m minus log n, यहाँ पे आएगा log a minus x, यहाँ पे a minus x और time में graph बना रहा है, इसको मैं सर इधर लाता हूँ, जैसे अपने बात की तो log a minus x जो अपना आया वो क्या आएगा log a minus a upon 2.303 t. सर इस expression में लिखने का reason कि direct अपन इसे straight line से follow करें, y is equal to mx plus c आएगा, slope negative आ जाएगा, तो सर यहाँ से slope negative तो वो तो नीचे की direction का graph है, ये clear भी हो गया. यहाँ से slope की मैं बात करूँ तो slope जो अपना आ रहा है वो आ रहा है k upon 2.303 जी सर. और यहाँ से slope देखें तो अपने बचपन में भी पढ़ा है, height upon base की बात करेंगे ये तो 6 है और ये यहाँ पे 10, यहाँ से स्लोप हो जाएगा 6/10. लेकिन बच्चों देखो खास बात है, यहाँ पे जो आपको टाइम दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है सेकंड, बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं. तो सर इसको अपन 60 कर दे जी सर. तो सर यहाँ से अपन इसको चेक करें तो आपका जो के आएगा रेट कॉन्स्टेंट वो आएगा 2.303 × 6 अपॉन 600. सर यहाँ से ये करें 100 आएगा, तो अपन बोल सकते हैं 2.3 × 10⁻²⁻². सर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि यहाँ पे अपन को सेकंड इनवर्स दिया है, अब तो ठीक है, कई बार क्वेश्चन ट्रिकी पूछना चाह रहा है और टाइम नहीं लगाना चाह रहा, तो यहाँ पे क्या करेगा इनकी यूनिट्स चेंज कर देगा, जैसे मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स मोल लीटर सेकंड इनवर्स. अपन को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन के लिए टाइम इनवर्स रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होती है, क्योंकि कभी भी काइनेटिक्स में अपन बात करते हैं तो रेट कॉन्स्टेंट अपन जनरली किसी भी रिएक्शन के लिए डिफाइन करना चाहे तो वो होता है मोल लीटर टाइम 1 - n, n - 1 - 1, where n is the order. If we put n is equal to first for first order reaction, then we get time inverse because ये दोनों कितना हो जाएगा 1. तो यहाँ से सर अपना third option correct. अगर सर इस क्वेश्चन में जैसे ये आपको नहीं गिवन होता तो भी अपन पता कर सकते थे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ऑप्शन में जो रेड कॉन्स्टेंट एक यूनिट क्या है सेकंड. चलिए सर आगे जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, अ रेडियोएक्टिव सैंपल हैड एन इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 56 डीपीएम जी सर. आफ्टर 69.3 मिनट्स इट वाज फाउंड टू हैव एन एक्टिविटी ऑफ 28 डीपीएम. सर एक चीज समझ में आ रही है, पहली बात तो जब भी अपन को रेडियोएक्टिव सैंपल की बात करता है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड बात अपन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो अपन को पता लग रहा है इनिशियल 56 से 28 हाफ हुआ है, इसका मतलब दैट इज द टी हाफ, टी 50% दे दिया अपन को 69.3 मिनट. ये दो इंफॉर्मेशन अपन को खुद को निकालनी पड़ेगी जी सर. नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन अ सैंपल हैविंग एक्टिविटी ऑफ 100 डीपीएम जी सर. तो सर ये अपने पास में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले मैं k निकालना चाहूं तो k आ जाएगा आपके पास में 0.693 अपॉन t हाफ अपन को पता है 69.3 मिनट, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 1/100 जी सर. सर जब ये एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है -dn/dt = nlambda जी सर. बच्चे अगर माइनस में कंफ्यूज होते हैं, माइनस दैट शोज द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन मतलब कि कमी हो रही है, टाइम के साथ साथ डीकंपोजिशन हो रहा है, डीके हो रहा है जी सर. तो सर अपन इसमें यदि n की बात करनी है क्योंकि अपन को फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स चेक करने हैं कि कितने रह गए हैं, तो यहां पे अपन n बोल सकते हैं dn/dt/λ. सर यहां पे ये अपन मॉड्यूलस में ले लेते हैं जिससे माइनस के कारण कंफ्यूजन नहीं हो. dn by dt अपन को ऑलरेडी दिया 100 dpm जी सर. यहां से सर इसकी वैल्यू पुट की अपन ने 100 और ये अपन अभी निकाल के आए 1/100.
इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये n आएगा आपके पास में 10,000, इसका मतलब सर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखो अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो इसको डीके कौन से लैम्डा लेते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में क्या लेते हैं इसको रेड कौन से के, तो k इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं। ओके ओके ठीक है सर, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द रेडियोएक्टिव डीके 83 डिस्ट्रिक्ट टू 11 से 81 थेलियम 207 टैंक में से 100 लीटर क्लोज वेजन एट 27 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग टू मोल ऑफ दिस जिसका टी हाफ आपको दे रखा 130 सेकंड द प्रेशर डेवलप इन द वेजन आफ्टर 520 सेकंड फिल। तो देखो एक तो सर इसमें टी हाफ दे रखा है वो कितना दे रखा आपको 130 सेकंड बिल्कुल सर, और एक टाइम आपको दे रखा है 520 सेकंड बाद में उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी इट मींस इसमें कितने हाफ लाइफ एड हो सकते हैं। तो सर एक चीज सबसे पहले तो बच्चों को ये बता दें कि रिएक्शन को एनालिसिस आपने जैसे ही किया दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सर, जैसा कि कई बार अपन को साथ में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा पार्टिकल डीके हुआ है। जी सर, बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एक चीज याद रखना कि यदि मास नंबर में 4 का डिक्रीमेंट हो देन द पॉसिबल एलिमेंट शुड बी अल्फा पार्टिकल, बाकी किसी से एलिमेंट पे चाहे बीटा पॉजिट्रॉन एमिशन हो चाहे बीटा एमिशन हो किसी भी मास का लॉस नहीं नहीं होता। अल्फा पार्टिकल को बेटा लिखते हैं 2H4, मास में तो 4 का चेंज आएगा और जो प्रोटॉन है जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 का चेंज आएगा। तो सर यहां से अपन ये देखें तो ये अपने पास में आ जाएगा दिस वन। तो इसको अपन सर 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो पूरा इसको a 0 0 a माइनस x x x के पास से शॉर्ट कर मेथड बना लीजिए। तो सर इसका शॉर्ट मेथड एक बार देख लेते हैं। तो सर एक बार ये पेज खाली कर दीजिए जिससे अपन शॉर्ट मेथड पे बात कर सकते हैं। सर शॉर्ट मेथड की अपन बात करें यहां पे तो शॉर्ट मेथड के लिए अपन को बोला है t हाफ, t हाफ का कितना बता दिया है 130 सेकंड, 130 सेकंड बताया, टोटल टाइम अपन को बताया है 527। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना चाहूंगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होंगी, टी हाफ कितने होंगे वो अपन बोले टोटल टाइम 520 अपॉन टी हाफ। तो यहां से अपन को पता लगा सर 4 टी हाफ लगेंगे। जी सर, इनिशियली बोल सर मुझे दिए 2, पहला टी हाफ हुआ तो ये बता जाएगा, सेकंड टी हाफ हुआ ये सेकंड टी हाफ था ये पहला था, सेकंड टी हाफ हुआ फिर ये आधा कंसंट्रेशन हो गई। जी सर, थर्ड टी हाफ आया फिर ये आधी कंसंट्रेशन हो गई और फोर्थ टी हाफ आया फिर ये आधी कंसंट्रेशन हो गई। तो सर ये डीके कितना हुआ है क्योंकि अपन ये डिक्री तो चेक कर रहे हैं जिसका डिक्रीज हुआ है, तो सर डीके हो गया मैं 2 माइनस 0.125, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.875 आया। जी सर, अब अपन सर ये पता लग गया कि मोल का जो डीके हुआ है 1.875 हुआ है। जी सर, अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। Starting two more of this, then pressure development in the vessel after 520 seconds. तो अब ideal case इसमें लगा देंगे PV is equal to n R T. तो सर इसको यदि मैं values को put करूँ तो free आएगा आपका n R T upon V. n रहेगा 1.875, R gas constant. वो units check करनी पड़ेगी pressure की. Pressure atm में है तो इसको आपको लेना पड़ेगा 0.0821. Temperature always should be taken in Kelvin. That is 27 degree Celsius. If we add 273, then we get 300 Kelvin. तो यह है आपका 300 और अपॉन में अपन को दिया 100. तो सर यहाँ से अपन को 100 liters direct दे रखा है। इसको यहाँ से 3 times cut करेंगे और इसको सर solve करेंगे। तो सर इसका approximately 0.4618 atm आना चाहिए। ये calculation अपन देख सकते हैं। Third option is correct. चलें सर आगे next question पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर ए एंड बी हैव हाफ लाइफ टी, टी हाफ दिया 50 और 10 मिनट्स। तो सर मैं ये बोल दूं कि टी हाफ ए का जो दिया है वो तो दिया है 50 मिनट्स, टी हाफ बी का जो दिया है वो दिया है 10 मिनट्स। मिनट्स में बात की, यूनिट्स मिनट्स में ही है तो कोई यूनिट्स का लफड़ा नहीं है। फिर बोल रहा है प्रेस सैंपल कंटेन द न्यूक्लियाइड ऑफ बी टू बी 8 टाइम्स दैट ऑफ ए, मतलब जब इनिशियल अपन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अपन बोल रहे हैं जो B है वो 8 टाइम्स ऑफ A, यानी कि N0 इनिशियल एटम्स A के अपॉन इनिशियल एटम B के वो कितने दे रखे हैं अपने को 1/8 दे रखे हैं। जी सर, फिर बोल रहा है हाउ मच टाइम शुड इलैप्स सो दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ A बिकम्स डबल ऑफ B, मतलब आफ्टर T टाइम मैं मॉलिक्यूल्स मान रहा हूं N,
एन मानो एंटी मानो, मैं बोल सकता हूँ एंटी अपॉन ए और एंटी अपॉन बी की बात करें तो अपन को बोला है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए बिकम्स डबल ऑफ बी, तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं ये आ रहा है पास 2 अपॉन 1। सर फिर से न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बच्चों को एक फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जो यूज करते हैं वो अपने पास में आता है सर एन टी अपॉन एन जीरो, या अपन डायरेक्ट बोले एन जीरो अपॉन टू दी पावर टोटल टाइम अपॉन टी पावर। जी सर, ये अपने पास में सर एक रिलेशन रहता है। तो सर थोड़ा सा एक बार पेज खाली कर दीजिए जिससे अपन इसको सॉल्व कर सके कि आप बात करना चाह रहा है। यहाँ से मैं ए और बी दोनों को सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आएगा ए और बी के अकॉर्डिंग, अपन ने बोला पहले एन टी और एन जीरो दोनों के लिए बात कर रहे हैं अपन। जी सर, तो इसमें सर अपन एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है, एन टी ए अपॉन एन टी बी इज इक्वल टू एन जीरो ए अपॉन एन जीरो बी। सर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो ये टी ऊपर जाएगा तो सर ए का तो नीचे आएगा बी का ऊपर चला जाएगा, पहले बी आ जाएगा टोटल मिला के, टोटल टाइम को यदि मैं बाहर निकालता हूँ तो ये अपने पास में आएगा वन अपॉन टी हाफ बी का माइनस वन अपॉन टी हाफ ए का, पहले बी इसलिए आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर अपन ये देख रहे हैं वो ऊपर चला जाएगा। जी सर बिल्कुल, तो सर यहाँ से मैं इसमें थोड़ी सी वैल्यूज पुट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे अपन को सारी चीजें अपने लिख रखी है, जैसा मैंने बताया 2 by 1 1 by 8 2 टोटल टाइम देखना है 1 upon 10 minus 1 upon 15। यहाँ से सर मैं थोड़ा सा इसको चेक करना चाहूँ तो सर जब उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा n into 2 कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 2t, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 माइनस का 10 कितना हो जाएगा 40 अपॉन कितना हो जाएगा 500 यदि बेस सेम है तो अपन पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। चले सर आगे, तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा सर, वो आंसर अपना 50 मिनट्स आ गया, एक बार बच्चों को बता दीजिए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपन को फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस गैसेस रिएक्शन ए चेंज इनटू 2b + c। जी सर, देन क्या कैलकुलेट करना है, इफ द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी इज pt आफ्टर लॉन्ग टाइम, बेटा एक चीज याद रखना फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको बोला कंप्लीट नहीं होती है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब अपन इंफिनिटी टाइम की बात कर रहे हैं जिसमें अपन ये मान के चल रहे हैं कंप्लीशन जाएगा। जी सर, उसको भी इंफिनिटी बोला है तो अपन को इसका एक्सप्रेशन देखना है सर क्या आ रहा है। सर एक बार अपन पूरा बोर्ड खाली करके अपन इसकी रिएक्शन से पूरा एक्सप्रेशन समझा देते हैं बच्चों को क्या है सर। तो सर यहां से मैं यदि बात करूं तो अपन को रिएक्शन दी है ए चेंज इनटू 2b + c। सर मैं यहाँ पे बात करूँ t is equal to 0 टाइम पर इनिशियली मोड a उस टाइम में 0 0, t टाइम पर मैं जा रहा हूँ सर तो t टाइम पर मैं बात करूँ ये a माइनस x, 1 के लिए x है तो 2 मोड के लिए 2x इधर भी x आ जाएगा। जी सर, एट इनफाइनाइट टाइम जा रहा हूँ मतलब जब कंप्लीशन की अपन बात कर रहे हैं तो होता नहीं है, रिएक्टेड पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ये 0 हो गया सर। जी सर, अब x a बन चुका है तो ये 2a और ये 2। जी सर, सर मैं यहाँ पे एक चीज बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने t टाइम पे प्रेशर को बोल दिया है pt, इंफिनिटी टाइम पे प्रेशर को बोल दिया है p इंफिनिटी। जी सर, तो सर मैं यहां से बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं p इंफिनिटी इज इक्वल टू r 2a + a 3। जी सर, तो सर यहां से a कितना आ जाएगा अपने पास में p इंफिनिटी अपॉन दिया है एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब अपन सर pt की बात कर रहे हैं इसको ऐड करेंगे तो इससे ये चला जाएगा। जी सर, तो मैंने बोला pt अपने पास में आया a + 2x, यहां से सर x कितना आ जाएगा अपने पास में t टोटल माइनस का a अपॉन 2। जी सर, अब अपन को ये पता लग रहा है a क्या है अपने पास में, a अपन अभी देख के आए p इंफिनिटी अपॉन 3/2। सर इसको सॉल्व करें अपन x अपने पास में आएगा सर 3pt माइनस p इंफिनिटी अपॉन 6। सही बात है क्या सर? जी सर, अब अपन यहां से a माइनस x निकालना चाह रहे हैं। जी सर, तो सर a माइनस x मैं निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा अपना pt प्रेशर की बात कर रहे हैं तो a माइनस x की बात कर रहे हैं तो a की जगह तो अपन ने लिख दिया p इंफिनिटी अपॉन 3। जी सर, और x मैं अभी आपको सॉल्व करके आया हूं
3PT माइनस P इंफिनिटी अपॉन 6। बोलिए सर सही बात है क्या? बिल्कुल सही है सर। तो सर इसको एक बार माइनस x को सॉल्व कीजिए, क्या आता है? तो a माइनस x इक्वल टू क्या आएगा? आप 6 को कॉमन ले लो तो ये क्या आएगा? 2P इंफिनिटी माइनस 3PT माइनस का P इंफिनिटी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, बड़े ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन का मिस्टेक होगा। तो a माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3p इंफिनिटी माइनस का 3p टोटल अपॉन 6। तो 3 को आप कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा? p इंफिनिटी माइनस का p टोटल बाय 2। ये आपके पास क्या आ गया? a माइनस x और ये क्या हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रेड कॉस k इक्वल टू अपॉन रिलेशन इनटू 2.303, जैसा कि सर ने बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, log 10 बेस a अपॉन a माइनस का x। अब तो सर क्वेश्चन में कुछ राय नहीं हो रहा है, तो सर अभी सिंपल से अपन वैल्यूज पुट कर दें तो अपना हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, a की जगह आपका आ गया है p इनफाइनाइट बाय 3, ये जो अपन पास आया है, और a माइनस x की जगह जैसा कि सर ने आपको बताया p इनफाइनाइट माइनस pt अपॉन 2। यहां से सर अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा। इस एक्सप्रेशन को मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों को, ये हो जाएगा 2p इनफाइनाइट, ये 3 नीचे आएगा p इनफाइनाइट माइनस pt। तो अपन ये ऐसा एक्सप्रेशन देख लेते इसमें आ रहा है, तो सर ये अपने पास में आ रहा है 2p इनफाइनाइट अपॉन 3p इनफाइनाइट माइनस t, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और गैसियस रिएक्शन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं ये अपन ने कंप्लीट बताया, डिपेंड ऑन द रिएक्शन की, यदि रिएक्शन चेंज कर दे तो आपको मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग लेना होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एस्टर का अम्लीय माध्यम में विघटन फर्स्ट ऑर्डर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एस्टर के लिए आपको बात बता दूं, रिएक्शन बोल लूं, तो ये होता है CH3COOC2H5, दैट इज एस्टर। अम्लीय माध्यम में अपघटन बात कर रहे हैं H2, अम्लीय माध्यम H+ को बता रहा है, यहाँ से अपन को मिलेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। सही बात है सर, ये है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो H2 होता है वो एक्सिस में होता है, और इसलिए इसे अपन बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब छद्म एक अणु अभिक्रिया, क्योंकि यहां पे H2 एक्सिस में होता है। इस चीज का याद रखिएगा जब अपन बात कर रहे हैं अम्लीय माध्यम। जी सर, अब इसको है वो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्सिस में है तो रिएक्शन कंप्लीट होने पे भी ये बहुत थोड़ा चेंज होता है, तो एज इट इज ऑलमोस्ट सेम मिलता है। जी सर, अपन चाहे तो इसको भी सर डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी ये डेरिवेशन पूछा नहीं है तो अपन यहां पे टाइम नहीं लगाएंगे। सर शॉर्टकट मेथड से बताइए बच्चों का। तो सर इसका अपन एक बार डायरेक्ट मेथड देखते हैं क्या बोल रहा है। सर यहां पे अपन को 50% बात कर रहा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की है, तो सर 50 ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं उसकी बात कर लेता हूं। तो मैं बोल सकता हूं T50% is equal to 0.693 upon K। यहां पे बोल सकते हैं सर, यहां पे इसको एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो इसका जब आपने डेरिवेशन किया होगा तो 0.693 कैसे आता है? 2.303 log base 2 पे बात करते हैं upon K, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो मैं आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करना चाह रहा हूं, सर एक बार पेज खाली कीजिएगा क्या आ रहा है। अपने पास आ रहा है k is equal to 2.303 upon t log v infinite minus v0 upon v infinite minus v। सर देखिएगा यही दिया जाएगा, पीछे जाएगा बिल्कुल सही दिया जाएगा है, तो v infinite minus v0 upon v infinite minus v। चलते हैं सर आगे इसमें। यहां पे अब अपन को ये जो t half है भाई 50% की बात कर रहा है, इसको अपन को t half अज्यूम करके चलना है सर, और t half की मैंने आपको वैल्यूज बताई है। अब आप बोलोगे सर ये पुट कर देते तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं होती, कैलकुलेशन बढ़ जाती। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा 2.303 है तो उसमें पुट कर लिए। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इसको बात कर रहा हूँ तो k is equal to 2.303 t यहाँ की जगह आएगा 2.303 log 2 upon k। सही बात है सर। जी सर, log v infinite minus v0 upon v infinite minus v। सही बात है सर ये। जी सर, यहां से अगर एक चीज देखें तो 2.30 से 2.303 जाएगा, ये के ऊपर आएगा तो के से के चला जाएगा। इस log 2 को सर मैं इधर ले जाऊं तो log 2 की वैल्यू होती है अपने पास में 0.3010। ये अपने पास में क्या आ जाएगा? या log 2 ही चलने देते हैं सर, एक बार सर log 2 ही चलने देते हैं, अपने पास में आएगा log 2 is equal to log
V infinite minus V zero upon V infinite minus V. सर दोनों साइड अपन इसका एंटी लॉग ले तो लॉग हट जाएगा जी सर, जैसे ही लॉग हटेगा तो 2 इज इक्वल टू v इनफाइनाइट माइनस v0 अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt आएगा जी सर। सर यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 2 v इनफाइनाइट माइनस vt इज इक्वल टू v इनफाइनाइट माइनस v0। सर ये v इनफिनिटी 2 v इनफिनिटी में से जाएगा तो v इनफिनिटी रहेगा जी सर, ये माइनस 2 vt उस साइड आएगा तो 2 vt plus 2 vt minus v0 रहेगा। सर चेक कीजिए क्या आप किस एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं, फिर v infinity पूछ रहा है जो हमने पास में आया 2 vt minus v0, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है सर जी सर, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारी बातें अपन ने की। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपन को बोल रहा है फॉर गिवन हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पैरेलल रिएक्शन। सर आज आपने दो लाइन में वर्ड यूज किया एलिमेंट्री, आपने अभी डिस्कस किया था द रिएक्शन दैट हैपेंस और दैट कंप्लीट्स इन फर्स्ट ऑर्डर और अपन बोल सकते हैं वन स्टेप। साथ में पैरेलल रिएक्शन बोला है मतलब ए के साथ में ये दोनों प्रोडक्ट साथ में बनते हैं, अपन इसको ए चेंज इनटू 2b + 2c नहीं लिख सकते सर। जी सर, तो सर यहां पे अपन को ये बात करना है कि इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं रिएक्शन 75% यदि कंप्लीट, यहां पे अपन को बोला एंड ऑफ 75% रिएक्शन कितना मोल अपने पास में रिमेनिंग रहेगा। अच्छा क्वेश्चन दिया सर यहां पे, तो मैं यहां पे बोलूं ये जो ए है ये रिएक्शन हो गई ए चेंज इनटू 2b + c, स्टार्टिंग में इसके मोल ए प्रोडक्ट के मोल 0। आज मैंने ए माइनस बी और सी दोनों के लिए बात की तो बी का डीकंपोजिशन एक्स मान लेता हूं और सी का डीकंपोजिशन वाई मान लेता हूं, तो ये मैंने बोला एक्स प्लस वाई। अब यहां पे 2 2 मोल्स बने हैं सही बात है सर, तो यहां पे 2 टाइम्स बन रहा होगा उसको अभी अपन चेक कर लेंगे। इनिशियली मोल अपन को दिए 2 ए तो दे दिया है 2, अल्फा दे दिया है 0.75। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक कांसेप्ट पढ़ा होगा कि जो डिसोसिएशन होता है उसको अपन इस रिलेशन से निकाल सकते हैं x is equal to a alpha, तो यहां पे a तो 2 रहेगा ये 0.75 रहेगा तो आपके पास में कितना आएगा ये 1.5। इसका मतलब सर मैं ये बोलूं कि यहां पे इनिशियली मोल जो 2 थे उसमें से 1.5 मोल गए तो सर रिमेनिंग कितने रह गए यहां पे 0.5 और बने कितने होंगे 2x और 2y बने होंगे, मतलब x plus y 1.5 है तो 2x plus 2y कितना रहा होगा आपका 3 रहा होगा। सही बात है ना सर, तो आप 3 का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोलोगे कि दोनों 1.5 बने, बिल्कुल ये रॉन्ग है, ये देने के कारण ये रॉन्ग हो गया, तो अपन यहां पे बोलेंगे ये 1 है तो ये 2 होगा। तो अब अपन ये बात करें एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो 0.5 तो यहां पे ये रिमेनिंग रहेगा और 3 मोल इसका फॉर्मेशन होगा, तो एट द एंड ऑफ द 75% अपने पास में जो टोटल मोल होंगे वो टोटल मोल क्या आ जाएंगे सर अपने पास में, वो आएंगे 0.5 रिमेनिंग है वो और 3 नए बन गए तो अपने पास में आएगा 3.5 मोल, मतलब इसका ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर द रिएक्शन 2a से b, देखो संजय अभी बताया था इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लेते हैं तब क्या था x = kt आता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है 0 रिएक्शन, कैसे पता लगा क्योंकि रेड कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको रेड कांस्टेंट k की यूनिट देगा मोल लीटर पर सेकंड में, और संजय बताया था किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेड कांस्टेंट k की यूनिट निकालिए तो k = क्या होगा मोल 1 माइनस का n लीटर n माइनस का 1 और यहां पे टाइम यूनिट्स। ठीक है, तो आपने जैसा सबने बोला आपने रेट कांस्टेंट की यूनिट से इसे कंपेयर किया तो मोल मेरे को 1 मिल रहा है, इसका मतलब n 0 रहा है, इट मींस वी कैन से दैट दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबने बोला x is equal to kt, तो अपने पास में t 50% की बात करूंगा तो वो x उस टाइम a by 2 रह जाएगा a by 2k, but this is valid when reactant coefficient is only 1. Now we are talking about the 2a change into b, here is the coefficient of reactant is 2, that's why ये जो k होगा वो आज 2k में convert हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा इस k dash की जगह पर क्या लिख देंगे a upon 2k, तो ये आपका आएगा a by 4k। इनिशियल कंसंट्रेशन सर अपन को कितनी दी है यहां पे x,
सर इनिशियल दिए वाई नहीं एक्स दिए सही कह रहे हैं और ये अपना हो जाएगा फोर वाई। तो आपके पास देखो x अपॉन 2y भी ऑप्शन में है, जल्दी जल्दी में अपने को ये लॉलीपॉप ऑप्शन दिया हुआ है, ये नहीं होगा, अपना करेक्ट क्या होगा x अपॉन 4y। चलें सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 रिएक्शन टाइम ऑफ 75% रिएक्शन इज 3 टाइम्स ऑफ 50% रिएक्शन। तो सर अभी अपन ने इसकी बात की थी कि t 50% रिएक्शन ही बार बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ये तो इंफॉर्मेशन तक बच्चों को याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, अपने पास टाइम भी तो नहीं है। हाँ तो याद रखिए 2/3 ये 1/2 और ये 1/3 किस किस के लिए है, ये चीजें आप याद रखें कि ये जो 2/3 आता है ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए रहेगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहेगा और ये आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए रहेगा। अब अपन यहाँ से देखें तो अपन को बोल रहा है t 75% is thrice of t 50, thrice of 350 किसमें हो रहा है सेकंड ऑर्डर में, तो डायरेक्ट अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17 रिएक्शन कंप्लीट 10% इन 5 मिनट और 50% कंप्लीट इन 25 मिनट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इट मींस देखो टाइम के साथ जो इंटीग्रेशन वो चेंज हो रही है, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 10% के लिए 5 मिनट, फिर अगले 10% के लिए 5, फिर अगले 10 के लिए 5, तो ऐसे 50% मतलब 5 बार किया तो टाइम भी 25 हो गया, तो सेम डिग्रेडेशन हो रहा है और सेम ही टाइम हो रहा है, ऐसा केवल जीरो ऑर्डर में होता है। जी सर सही बात है सर। तो ऑप्शन से आपको पता लग गया कि पहला ऑप्शन तो गलत है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट बिल्कुल गलत है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो बिल्कुल सही है, थर्ड रिएक्शन विल कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, ये हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसी टाइम बता देते हैं जीरो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होती है, बाकी कोई भी रिएक्शन है वो कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेती है। फोर्थ ऑप्शन था रिएक्शन विल कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम बिल्कुल गलत है। तो सर यहाँ से अपन वैसे तो आंसर देखे अपना ये बी सी आ गया सेकंड, बेटा वैसे यदि आपको ये जानकारी भूल भी जाओगे फाइनाइट है इनफाइनाइट है तो देखो जुगाड़ बताते हैं, यहाँ से आपको ये पता लग गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब ए रॉन्ग है बी गलत है, ए रॉन्ग वाले कौन कौन से ऑप्शन गलत होंगे, ये गलत ये गलत ये गलत, आगे जाना ही नहीं बेटा, ये ट्रिकी क्वेश्चंस की ट्रिक सीखनी पड़ेगी क्योंकि कई बार वहां पे क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है जिससे टाइम आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करें, क्वेश्चन तो सही कर देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगा देंगे तो मतलब नहीं निकलेगा, यहाँ पे सर अपने पास में सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 में एक एट 100 केल्विन के रिएक्शन 30% कंप्लीट इन 10 मिनट्स व्हाइल एट 200 केल्विन 30% इज कंप्लीट इन 5 मिनट्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो सर एक चीज यहाँ पे एक चीज समझ में आई मेरे को कि सेम डीकंपोजिशन दिया है और जब सेम डीकंपोजिशन होता है तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका k होता है वो टाइम के इनवर्सली होता है, सही बात है सर। तो सर मैं यहाँ से ये निकालना चाहूँ k2/k1 तो ये आ जाएगा t1/t2। सर t1 कितना दिया है अपन को 10 मिनट दिया है, इसको t1 मान लेते हैं इसको t2 मान लेते हैं, तो ये हो गया 10 मिनट और ये हो गया अपने पास में 5 मिनट। ये कितना दिया है तुमको 5 मिनट, तो यहां से ही अपन ने चेक किया सर कितना आया, जब भी अपने पास में एक्टिवेशन एनर्जी का कांसेप्ट आता है अरहेनियस इक्वेशंस अरहेनियस इक्वेशन जैसा सर बोल रहे हैं उसको यूज करना होगा, उसका एक ही एक्सप्रेशन आपको याद रखना होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्लूड करता है 2.303 r, यहां पे आएगा t2 - t1/t1 t2, जिसे अपन ने दो अलग-अलग टेंपरेचर पे बात की है अरहेनियस इक्वेशन ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों वैल्यू पुट करो लॉग 10 बेस जैसा कि सर ने लिखा है k2/k1 की वैल्यू क्या होती है 2 इज इक्वल टू ea/2.303 और r यहां पे क्या लगे r देखो आंसर में देखो जूल में दे रहे हैं तो r की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 8.314 जूल इनटू t2 कितना दे रखा है यहां पे 200 केल्विन और t1 कितना दे रखा है 100 केल्विन, तो ऊपर 200 माइनस का 100 कितना आ जाएगा 100 अपॉन कितना आएगा 100 इनटू 200 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट log 10 base 2 की वैल्यू क्या होगी 0.30 तो सर थोड़ा सा टर्म्स पे एक बार बच्चों को बता दें उनमें आपने थोड़ा सा इसको एप्रोक्सीमेटली लेके भी सॉल्व करोगे तो इसको सर सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चों देखो इसको हमेशा जब भी सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 19.14 सर अब एक इसको आपने 19.14 बोला मैं थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन देख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है इसे 20 मान लो 20 * 200 करो 4000 4000 को 0.3 करूंगा
तो सर एक 0.33 मतलब इसका ऑलमोस्ट अपन कहां पहुंच जाएंगे 1/3 के आसपास, और अपन ने थोड़ा एप्रोक्सीमेशन माना है तो ये सर इसका अपना कहां पे पहुंच जाएगा 1150 जूल के एप्रोक्सीमेटली आएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो 1/3 मतलब जो अपने कैलकुलेशन माना है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पॉइंट्स में ऊपर नीचे क्या होगा। अच्छा इसको आप मल्टीप्लाई करो 2.303 × 8.314 तो इसकी वैल्यू हमेशा 19.14 आएगी। तो सर ये अपन ने आज केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री सेकंड के 18 क्वेश्चन के थ्रू थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ये दोनों कंप्लीट करवाए बेटा, इनको अच्छे से पढ़िएगा दोबारा देखिएगा, फिर अपन नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा एक नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके थैंक यू, जय सीएलसी, ऑल द वेरी बेस्ट।